कड़ी कैदी के हाथ में दे दी। गरीब फंस गया, वो टार रहे कैदियों टार रहे, हम भी टार रहे। भाग कैसे जाएगा, कैसे नहीं भाग गया था, हथकड़ी दे दी। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं, और हो भी क्यों ना, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं जिस पर सवाल के साथ कार्रवाई भी जरूरी हो जाती है। ताजा मामला वैशाली से सामने आया है, जहां पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला। वैशाली पुलिस के एक पुलिसकर्मी ने महज खैनी खाने के लिए आरोपी के ही हाथ में हथकड़ी पकड़ा दिया और मजे से बगल में खड़े होकर खैनी मलने लगा। साहब खैनी मल रहे थे और कैदी इंतजार कर रहा था कि कब उसे लेकर जाया जाएगा। जब पुलिसकर्मी का खैनी खाओ कार्यक्रम खत्म हुआ तो फिर हथकड़ी थाम लिया। लेकिन जब इस बारे में चौकीदार भोला पासवान से पूछा गया तो बताया कि ऑटो खराब हो गया था, जिसको धक्का देने के लिए उन्होंने बंदी के हाथ में हथकड़ी थमाई थी। इस विषय में बंदी रमेश राय ने भी चौकीदार का ही पक्ष लेते हुए कहा कि ऑटो खराब था, इसलिए ही मेरे हाथ में हथकड़ी थमा दिया था। गाड़ी फंसा हुआ था। कौन थाना से हैं आप? भगवानपुर। इस तरीके की लापरवाही, लगातार कैदी भाग रहा है, आप लोग लापरवाही करते हैं, हथकड़ी कैदी के हाथ में दे दी। गरीब फंस गया, वो टार रहे हैं, कैदियों टार रहे हैं, हम भी टार रहे हैं। नहीं तो आप हथकड़ी दे दिए ना उनके हाथ में? हाथ में नहीं दिए। तो कैदी तो आपका भाग सकता था ना? ना भाग कैसे जाएगा? अगर भाग जाता तो आप क्या कर लेते? भाग कैसे जाएगा, कैसे नहीं भाग जाता? आप हथकड़ी दे दी, आप हथकड़ी कैदी के हाथ में दे दी। भाग जाएगा इसको, हम मेरे कहने से नहीं भाग जाएगा, तो आपके कहने से रुक भी तो नहीं जा रहा है ना, लगातार आपके क्षेत्र से भागता है, लगातार नहीं भाग रहा है हमको क्षेत्र। तो कैसे आप हाथ में दे दिए? नियम है क्या कि कैदी के हाथ में हथकड़ी दे देना? नहीं दिए हथकड़ी हाथ में। क्या नाम हुआ आपका? गाड़ी फंसा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए अपना। भोला पासवान। कौन थाना है? भगवान। कौन क्षेत्र है आपका? क्षेत्र बताइए अपना। कैलान क्षेत्र बताइए। कौन क्षेत्र के चौकीदार हैं? थाना भगवानपुर क्षेत्र। क्षेत्र का चौकीदार बताइए ना। भगवानपुर थाना, भगवानपुर क्षेत्र। गाड़ी पिए। कब अरेस्ट हुए हैं? कल है रात को। रात थे तो आपके हाथ में हथकड़ी दे दिए थे? दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र से शराब के नशे में पुलिस ने रमेश राय नाम के एक शराबी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके मेडिकल जांच के लिए उससे भगवानपुर थाना से चौकीदार भोला पासवान के साथ ऑटो से सदर अस्पताल भेजा गया था, जहां मेडिकल जांच के बाद ऑटो में बैठते समय चौकीदार भोला पासवान को खैनी खाने की तलब सताने लगी, तो उन्होंने रस्सा लगे हथकड़ी को आरोपी के ही हाथ में पकड़ा दिया और खैनी रगड़ने लगे। तब अगर आरोपी चाहता तो वह फरार होने का प्रयास भी कर सकता था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इससे पुलिस की लापरवाही कम हो गई यह भी नहीं कहा जा सकता है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि वैशाली पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है, जबकि कुछ हफ्ते पहले ही मेडिकल जांच कराने के दौरान ही एक कैदी दो चौकीदारों को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से शहर में दौड़ दौड़ कर पकड़ा गया था। ऐसे ही एक लापरवाही थी जिसके कारण अवैध शराब का फैक्ट्री चला रहा डॉक्टर हाथ बंधा होने के बावजूद अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया था। इसके बाद भी वैशाली पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया और फिर से वही लापरवाही देखने को मिली। देशवा न्यूज के लिए हाजीपुर से कुमार रंजीत की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।